पेज भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सूचना आयुक्त की बैठक को लेकर सियासी संग्राम, रिक्त पदों को भरने को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई। इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई है। सूचना आयुक्त की बैठक को लेकर सियासी संग्राम, रिक्त पदों को भरने को लेकर जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, हालांकि बैठक पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई, पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रिक्त पदों को भरने को लेकर यह बैठक बुलाई गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से चेतावनी दी गई है, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की, सूचना आयुक्त की बैठक को लेकर सियासी संग्राम दिख रहा है। तो बैठक पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आपत्ति दर्ज की है और इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा है कि कोर्ट जाया जाएगा। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, जिस तरह से बात करें रिक्त पदों को भरना है और ऐसे में किस तरह की आपत्ति जता रहे हैं गोविंद सिंह? देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर हम देखें तो एक कोरम होता है चुनाव आयुक्त की, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए, क्षमा कीजिए, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए, और उस कोरम में नेता प्रतिपक्ष एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे संभावना आई कि आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता लगने के बाद में ये नियुक्ति नहीं हो सकती, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की तर्ज पर भी इसको देखा जाता है और सत्ता पक्ष के से जुड़े या सत्ता पक्ष की पसंद के व्यक्ति की इसमें माना जाता है कि नियुक्तियां सामान्य तौर पर होती है और इलेक्शन के होने से, आचार संहिता के पहले नियुक्ति होने से एक लंबा पीरियड जो है वो मिलता है कमिश्नर को। अब सूचना आयुक्त के संदर्भ में चूंकि जो पहुंचना है, जिस बैठक का समय मुकर्रर किया गया वो 9:30 पर किया गया था और डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना यह है कि वो लाहार में है, लाहार अपने क्षेत्र से भोपाल पहुंचने में समय मिलता है लगता है और ऐसे में इतनी देरी से उनको सूचना देने के अभाव में कहीं ना कहीं उनको परेशानी होगी और उनका पहुंचना संभव नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने एक नियम का भी वो किया कि कम से कम 24 घंटे पहले तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, जो नहीं हुआ है, उनका कहना यह है। और ऐसे में अब इसमें सियासी संग्राम बढ़ गया है। देखने वाली बात यह होगी थोड़ी ही देर बाद जब ये बैठक होगी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहते हैं या नहीं, और नहीं रहते हैं तो बिल्कुल देखना होगा। बैठक पर नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से आपत्ति जताई है क्या कुछ होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।